में आत्मसात करने का इस समय समय है, इसलिए ज्यादा मैं इसमें नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जो आयोजन हो रहा है, प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनके बारे में बता दूं कि ये सुबह से शाम तक जो संगीत की सरिता बह रही है लक्ष्य और लक्षण को लेकर के, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे शास्त्रज्ञ भी हैं, कलाकार भी हैं, शिक्षक वर्ग भी है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल तक सभी विद्यार्थी इससे जो जुड़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, संकाय के लिए, वाद्य विभाग के लिए, कि हम इस सुविधा के इस ऐसे काल में जब हम सब दूरी दूरी दूर की बात करते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं, संकाय के पास आ रहे हैं, तो ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम आपसे जुड़ रहे हैं। आपका जितना ज्ञान है हमको मिल रहा है, हमारे विद्यार्थियों को मिल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं वाद्य विभाग की प्रोफेसर संगीता सिंह जी, विभागाध्यक्षा भी हैं, उनको बधाई देता हूं कि आपने ऐसा कार्य अपने कंधों पर लिया है। हम लोग सहयोगी हैं उनके, और प्रवीण उद्धव जी ने ये लयताल प्रज्ञा प्रवाह के नाम से जो एक सीरीज चला रखी है, सुबह सितार का आनंद ले रहे हैं और दोपहर में हम लोग शास्त्र की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है, और ये अगर लगातार चलेगा और अनेक यूनिवर्सिटियों में इस तरह किया जाएगा, तो हमें लगता है कि ये जितने भी हम बात कर रहे हैं कि हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं, उसकी पूर्ति हम इसके माध्यम से उससे ज्यादा कहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग पक्ष से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हम कम से कम संगीत में उसको हम ढाल पा रहे हैं, विद्यार्थियों को अपने को संगीत के साथ तारतम्य में स्थापित कर पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, खास करके आज के मुख्य अतिथि जो बनारस से ही हैं और हमारे मित्र में से हैं, और हम लोग बचपन से एक साथ गाना बजाना सब एक साथ करते आए हैं, और आजकल भातखंडे डिमडे विश्वविद्यालय समय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर कार्यरत हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, बहुत ही बहुत हार्दिक आपका स्वागत है वाद्य विभाग में, संकाय में, और हम केवल आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं, हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जो बनारस घराने से संबद्ध रखते हैं। आपका जन्म बनारस में हुआ और आप की शिक्षा बनारस घराने के बहुत ही नामचीन जाने माने संगीतकार जालपा प्रसाद मिश्रा जी, बहुत बड़ा नाम है संगीत के क्षेत्र में और बनारस के उन्नति में, बनारस के संगीत के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा है। उनसे आपकी संगीत की शिक्षा, उनके संस्कार, उन्हीं के साथ मुझे लगता है कि आप बचपन से उन्हीं के घर में रह के उनको माता पिता की तरह उनको सेवा करके उन्हीं के पास रह के आपने संगीत के संस्कार लिए हैं। तो जालपा प्रसाद मिश्रा जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बहुत से लोग नहीं जानते। उनको मैं बता दूं कि बनारस घराने के जितने सिद्धहस्त गुरु हुए हैं, कलाकार हुए हैं, उनमें जालपा प्रसाद मिश्रा जी का एक अपना एक स्थान है। इसी प्रकार पंडित मनुलाल मिश्रा जी, बहुत बार आपने पंडित किशन महाराज जी के साथ उनको लहरा बजाते हुए सुना होगा। पंडित मनुलाल मिश्रा जी बहुत गुणी संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने हारमोनियम की सिद्धहस्तता, तबले की सिद्धहस्तता और संपूर्ण संगीतज्ञ के रूप में उनका एक व्यक्तित्व रहा। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तो जब तक वो उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, तब तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि वो हमेशा मेरे सोलो में नगमा वही मेरे साथ बजाते थे। और इनका लय इतना अच्छा था कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था कि पंडित किशन महाराज जी उनको साथ में लेकर ना नगमा रखवाए हो। तो वो इतने गुणी लोगों के पास मनोज जी को सीखने का सौभाग्य मिला। आगे चलकर आप
पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के शिष्य बने और उनके समग्र विचारों के उन्होंने आत्मसात किया। उनके समग्र विचारों को अपने शोध के माध्यम से, एक शोध तो एक बहाना होता है, पंडित किशन महाराज जी के ऊपर रिसर्च करना ये एक बहुत कठिन काम भी था और मनोज जी ने इसको बखूबी निभाया। उनके शिष्य शिष्यत्व ग्रहण करके और उनसे इस संबंध में, क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, तो एक गुरु शिष्य में जो एक वार्ता होती है उस तरह की वातावरण नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च के लिए इतनी अच्छी बहुत सारी गहन बातें मनोज जी को बताई जो उनके रिसर्च में शामिल वो कर सके। तो मनोज जी को बहुत सौभाग्यशाली है मनोज जी कि उन्होंने पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी पे शोध कार्य किया है और उन्हीं से विधिवत शिक्षा भी ली है। और आप देश के अनेक शहरों में आप स्वतंत्र वादन के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, आपने कई स्वतंत्र वादन की प्रस्तुतियां दी हैं, आप संगत के कलाकार भी हैं, आपने कई वरिष्ठ लोगों के साथ संगत की है, बड़ी एक लिस्ट है आपकी कई कलाकारों के साथ बजाने की। तो मनोज जी प्रायोगिक पक्ष को लेके शुरू से, चूंकि घराने से संबद्ध है, और मनोज जी का एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बहुत बड़ी एक परंपरा है पंडित दरगाही मिश्र जी की, बहुत बड़ी बनारस घराने की, इतने बड़े ऋषि हमारे पंडित दरगाही मिश्र जी, उसी परिवार के आप सदस्य हैं, तो ये एक बहुत सौभाग्यशाली बात है पंडित मनोज मिश्रा जी के लिए कि इतनी बड़ी हस्ती, जहाँ से गिरजा देवी जी, जहाँ से पंडित शामता प्रसाद जी, जैसे ऐसे महान महान कलाकारों को जिस परंपरा से सीखने का मिला, उस परंपरा के आप वंशज हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पंडित विजय शंकर मिश्रा जी, आप भी उसी वंश परंपरा के आज के प्रतिनिधि हैं। और मैं बहुत, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम उन बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, आज हम उन बुजुर्गों को, जिन लोगों ने आज इस शिक्षा को, आज इस संगीत के क्षेत्र को जहाँ तक ले जाने में उनका बहुत अप्रतिम योगदान रहा है, तो हम सब उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और मनोज जी का एक पक्ष और है, वो गणितीय चिंतन के लिए बहुत जाने जाते हैं। जब से मनोज जी से मेरी अभी 3-4-5 वर्षों से जो मेरी निकटता हुई, तो हम बहुत करीब से जब एक दूसरे को जाने, तो मैंने देखा कि मनोज जी लगातार उनका एक चिंतन पक्ष चलता रहता है और अड़ियाड़ास करने वाले हैं। यदि हमने कहा कि नहीं मनोज जी ऐसा नहीं होता, तो वो अड़ियाड़ास करते हैं बात को लेके, बोले कैसे नहीं, और यदि ऐसी बात हो जाती तो मान भी लेते हैं, और यदि हमको लगता है कि नहीं मनोज जी सही करे तो हम भी मान लेते हैं। तो मनोज जी का एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष है और उनकी शिक्षण पद्धति इतनी अच्छी है कि भातखंडे विश्वविद्यालय से काफी विद्यार्थी वहां से निकल रहे हैं और उनको शास्त्र और प्रायोगिक पक्ष दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान संवर्धन हो रहा है। मनोज जी का बड़ा योगदान है इस संबंध में, और मनोज जी के व्याख्यान कई बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हुए हैं और देश के कई विश्वविद्यालयों में आपको ऐसे विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जाता है। और मनोज जी को तो मैं कभी कभी डिक्शनरी कहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ, जैसे किसी का मुझे सन में भूल जाता हूँ कि अरे उनका सन कौन से जन्म कौन से सन में हुआ था, मेरे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं मनोज जी को तुरंत फोन लगाता हूँ, वो दन्ने से बता देते हैं, जैसे वो एक डिक्शनरी की तरह है। कुछ भी चीज़ पूछना हो इतिहास की, तो उनका पूरा, क्योंकि वो एक ज़माने में IAS की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक उस तरह की वो की कि किस तरह से याद रखा जाए। तो मैं मनोज जी को हमारे संगीत की डिक्शनरी भी कहता हूँ। और कई बातें मैं इस आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि जैसे कई व्याख्यान हमारे चल रहे हैं, तो उसमें से कई चीज़ें कुछ लोगों को मालूम होती है, तो वो कहते हैं अरे ये चीज़ तो हमको पता है, लेकिन वास्तव में आप देखें कि जब हम हमारे बचपने में गणित पढ़ते थे, तो उस समय के जो सूत्र हुआ करते थे, और आज हमारे जो बबच्चे पढ़ते हैं, तो उस समय के सूत्र, उस समय 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2 × 6 = 2 × 5 = 10 तरह के एक एक चीज़ याद करते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी इतनी सारी टेक्निक्स निकल गई हैं उन सब चीज़ों को याद करने की, और वैसा ही काम तबले की दुनिया में भी हुआ है कि गणितीय पक्ष को कैसे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो लयकारी के जो उसके गणितीय पक्ष निकालना होता है उसको हवा में ही कर देते हैं। तो ये जो उसकी टेक्निक्स हैं,
ये हमारे लिए नहीं, तो वो गणित तो वही है, चक्करदार का क्या सूत्र होना चाहिए, फलाना का क्या सूत्र होना चाहिए, लेकिन वो सूत्र जो जैसे पार्थ चक्रवर्ती जी ने कितना उसको स्पष्ट कर दिया, कितना आसान कर दिया कि एक सूत्र है, आप ताल की मात्रा डालिए, आपको उसका पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा। फिर क्या है, आपके पास गुरुओं से मिली हुई घरानों की भाषाएं होती हैं, उस भाषा को उसमें संजोना होता है। तो ये जो बातें चल रही है रोज, उसी का ये कड़ी है। गणितीय पक्ष पे हमारे मनोज जी का बहुत बड़ा कार्य है, और मनोज जी आज हमको बहुत सारी अपने अनुभव से, बहुत सारी बातों से जो जो उनके अंदर छिपी हुई है, जो मैं जानता हूँ कि मनोज जी के उन सब ज्ञान से हम लोग जब परिचित होंगे तो हमको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, खासतौर पे उनका नौका और वर्णों को लेके कि कितने वर्ण होना चाहिए यदि ये नौका है इस ताल में। तो मैं जो हम लोग प्रश्न भी करेंगे तो बाद में आखिरी में जो जिन लोगों को पूछना है वो एक हमारा मोबाइल नंबर है वो उसमें दे दिया गया है, उसमें आप प्रश्न कर लें। और यदि उसमें एक जूम ऐप पे एक ऐसा हाथ का एक ऑप्शन होता है तो ऐसा यदि आप लास्ट में कर देंगे तो हम लोग आपका उसको अनम्यूट करने के लिए आपको बुला लेंगे। तो मैं बहुत मनोज मिश्रा जी को बुलाने से पहले हमारे दो शब्द हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दो शब्द स्वागत करें और उनको उनके सम्मान में एक सम्मान पत्र, हम एक स्मृति के रूप में हम उनको एक सम्मान पत्र हमारे विभाग की ओर से दे रहे हैं, और वो सम्मान पत्र का वाचन करें प्रोफेसर संगीता सिंह जी। हेलो हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। पहले मैं सभी विद्वत जन को प्रणाम करती हूँ, और आज के जो विशेष रूप से मैं मनोज सर को प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, हमेशा ही आपका हमेशा ही कृपा रहा है, और जब भी हम लोगों ने बुलाया, कई व्याख्यान आपके हुए, और बच्चे हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मेरी भी बहुत उत्सुकता है, और सारे बच्चे जो आज के जो युवा छात्र हैं वो जानना चाहता है, वो बहुत जिज्ञासु हैं और बहुत कर्मठ भी हैं, और नए तरीके से वो कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज जितने भी सितार के भी बच्चे हैं, वायलिन के भी बच्चे हैं, आज जो गणितीय सूत्र है वो सभी उत्सुक है जानने के लिए। तो सर, मैं आप ज्यादा समय क्योंकि वैसे भी हो रहा है, मैं बहुत जल्दी से मैं आपके लिए ये सम्मान पत्र पढ़ती हूँ सर, और इसे आप स्वीकार करें। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यानमाला में पंडित मनोज मिश्रा जी, आपने उत्कृष्ट ज्ञान तथा वक्तव्य से संगीत जिज्ञासियों को अभिसिंचित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित हैं, व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। धन्यवाद सर, मैं मंच आपको सौंप रही हूँ सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। आप सभी को नमस्कार, आवाज आ रही है मनोज भाई? आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ। नमस्कार, मेरे परम मित्र राजेश शाह जी, डॉक्टर राजेश शाह जी, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्रा जी, आदरणीय पंडित नित्यानंद हल्दी पूर्णी, डॉक्टर पंकज माला शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, और जैसा आपने कहा दरगाही जी परंपरा के वर्तमान में प्रतिनिधि और सबसे सीनियर गुरु पंडित विजय शंकर मिश्रा जी, और काठमांडू से भंडारी जी, हमारे परम स्नेही डॉक्टर गौरांग भवसार जी, और जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं उन सबका
मैं स्वागत करता हूँ। भाई प्रवीण जी ने हमको बहुत जवाब दिया, ये है ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आप लोग की तरह विद्यार्थी हैं, सोचते रहते हैं। प्रवीण भाई मैं भी बनारस का ही हूँ और बीएचयू से ही जुड़ा रहा हूँ, इसे हम सब आपके बीच के हैं। हमारा जो विषय है ताल पक्ष में गणित का प्रयोग, ताल पक्ष में जब शुरू करते हैं तो गणित से पहले हम बताएं कि दुनिया पूरा गतिमान है, इस गति को, इस गति की गणना करने के लिए गणित का बनाया गया। हमारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं सब चलायमान हैं, उनकी एक गति बनी हुई है, लेकिन इन गति को, इन गति की गणना करके और जो जिसके द्वारा गणना किया गया वो गणित है। ताल पक्ष में गणित का प्रयोग, जब ताल पक्ष में गणित का प्रयोग विषय आता है तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इस गणित का प्रयोग बढ़ गया और 1975 के बाद तो और अधिक बढ़ गया। 1950 के बाद कुछ कठिन नैकारियां शुरू हुई थी गणित के माध्यम से, लेकिन 75-80 के बाद से कठिनतम नैकारियां शुरू हो गई जिनका कि वादन मतलब मात्र 5% संभव है, लेकिन वो किया जाता है। हमने एक प्रोग्राम बनारस में सुना था पंडित सुकुमार शर्मा जी का और साथ जाकिर हुसैन जी तबले पर थे, जिनमें 9 मात्रा पंडित सुकुमार शर्मा जी बजा रहे थे, जाकिर साहब 9 मात्रा बजाए, उसके बाद उन्होंने 9 मात्रे में 3 ताल इतना आसानी से कर दिया कि लगा कि ये सारा गणित जो है बहुत आसान हो गया है। ताल पक्ष में जब गणित की बात करते हैं तो हमारे ताल पक्ष में 2 प्रकार की रचनाएं हैं, विस्तारशील अविस्तारशील। जब विस्तार से रचना की बात करते हैं तो वहां पे हम तिहाई या चक्करदार की बात ही एक प्लस को लेके नहीं चलते। पुराने लोग कहते थे कि कायदे में, उस कायदे में उसका जो है छंद दिखाई देना चाहिए। जो भी कायदा बना, धाके धागे न धाते धाते धागे तीना गिन ताते धागे न ताते धाके धागे भीना गिना, क्या चार का छंद था। फिर थोड़ा उससे अलग हटने का प्रयास किया गया, धाते धागे न धाधा कहते धाते धागे न भीना धागे न भीना धाते धागे न तीना गिन ताते तगे न ताता कहते ताते तगे न तीना धागे धाते धागे न भीना गिन, ये चार चार नहीं है, ये चार चार नहीं है, लेकिन इस तरह का गणित शुरू किया गया। धाते धागे न धाधा कहते धाते धागे न धीना धागे न धीना धाते धागे न तीना गिना, तो थोड़ा चार चार की जगह कहीं 4.5 हुआ तो 3.5 हुआ, कहीं 5 हुआ तो कहीं 3 हुआ। तो पहले तो 3 ताल में जो है गणित का प्रयोग शुरू हुआ कि 4-4-4 को 16 की जगह 4.5-4.5-4.5-3 का काम शुरू हुआ। उसके बाद
जैसे हम तीन काल में एक कायदा है उसको हम कर रहे हैं और गणित के माध्यम से उसको हम एक काल में बजा सकते हैं। धा तिन तिन ता घिन घिन धा धाते ते घेनक धेन घे घेनक धेन धागे ते धागे तीना गिना ताते ते केना के तिन लक धेन धागे ते धागे धीना गिना भगत गणक धन गणक धन 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 तीन काल में है। अब इसको अगर हम चतुर्थ जाति कर दें तो ये सीधे एक ताल में आ जाएगा। भगत घेनक धन घे नक धन धागे ते धागे तीना गिना ताते ते केना के तिन के गणक धन धागे ते धागे धीना गिना इसी लयकारी को लेकर जब हम ये आविष्कारशील में ये लयकारी करते हैं तो जैसे कोई कायदा है हमने पंचम सवारी में कायदा बनाया बहुत बढ़िया है चतुर्थ जाति बना दिया उसकी जाति बदल दिया तो वो कायदा झपकाल में आराम से बनाया जा सकता है। एक उदाहरण है भी ना भी कर भी ना भी ना थी अब यही जब इसको जब जाति बदल देंगे हम भी ना भी ना ती ना भी एक कायदा याद किया और गणित के माध्यम से हम दो तालों में उसी कायदे को तिहाई सहित प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं करना उसमें एक बोल का भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। अगर आप पंचम सवारी में आठ पलटे बजा रहे हैं तो वही आठ पलटे आप झपकाल में बजा। इसी तरह जो झपकाल में है भी ना भी ना ती ना भी ना ये विस्तारशील में इस तरह का गणित प्रयोग किया जाता है। इससे अगर जो खंड जाति रूपक काल का कोई कायदा है उसको हम चतुर्थ जाति में बजाएंगे रूपक में तो उसको हम मिश्र जाति करके हम तीन ताल में बजा सकते हैं। जो असल विषय हमारा है वो है आविष्कारशील के संबंध में। बहुत इस व्याख्यान देने में अभी सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है किसी का कोई रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग को ऐसा अनुभव नहीं रहा है। तबले में सबसे छोटा ताल जिसमें सोलो बजाया जाता है वो है रूपक। रूपक ताल सात मात्रे का है। अब हम तिहाई की बात कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में बोलेंगे तिहाई की बात। सबसे छोटा ताल सात मात्रा है और रिकॉर्डिंग में सुनिए सब सुनिए तो सबसे बड़ा ताल लक्ष्मी ताल नजर आता है। 10 से लेके 18 तक के ताले हैं। तिहाई की बात कर रही है इसलिए तीन तीन में मापिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कुल 12 ताले हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पहले वाले लाइन में
तिहाई आएगा वो वेदम तिहाई होगा। यहाँ हम तटस्थ जाति की बात कर रहे हैं और किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बराबर है। सात सात दस तेरह और सोलह इन चार में कोई भी तिहाई आएगा वो वेदम होगा। जैसे सात में है अगर पांच मार का लेते हैं ते ते ना भे ना भे ना एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच। अगर दस में लेंगे भे ना भे भे ना ते ना भे ना एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात। उसके बाद आता है नंबर आठ ग्यारह चौदह और सत्रह। हाँ एक बात और, सात दस तेरह सोलह में वेदम की आई या तो दुगुन में आएगा या अठगुन में आएगा, चौगुन में नहीं आएगा। आठ ग्यारह चौदह सत्रह दूसरा खंड का इन तालों में तिहाई चौगुन में नहीं आएगा, दुगुन में नहीं आएगा। ग्यारह है अगर जो ग्यारह में एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन यही आएगा, ये दुगुन में नहीं आएगा इसमें। ठीक उसी तरह चौदह में अगर जो है धीना भी धीना तीन अभी धीना धागे न तीन का धीना धाभी ना भी धीना तीन अभी धीना धागे न तीन का धीना धाभी ना भी धीना तीन अभी धीना धागे न तीन का धीना धा। तीसरा खंड आता है नौ बारह पंद्रह ये तीसरे खंड के सारे ताले तीन मात्राओं तीन की मात्राओं से कटने वाले हैं। इन खंड में कोई भी रिहाई उस वर्ण के बराबर एक दो गैप के बिना नहीं आएगा। अगर चौगुन में है तो चौगुन में एक मात्रे में चार वर्ण होंगे तो एक दो गैप दे के ही आएगा, अंतराल देने के बाद ही। जैसे एक नौ मात्रा पर देख रहे हैं भा भिन ता ते ते का ता दज भा भिन ता भेद ता ते ते का ता दी एक दो तीन चार पांच एक दो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच। पंद्रह में है अगर जो बारह में है तो सात वर्ण। अब सात आठ नौ में पांच वर्ण की तिहाई आती है, दस ग्यारह बारह में सात वर्ण की, तेरह चौदह पंद्रह में नौ वर्ण की और सोलह सत्रह अठारह में ग्यारह वर्ण की। इसके अलग कोई तिहाई नहीं करेगी, समझे सम की बात करें। सोलह सत्रह अठारह में देखिए धा दिन दिन धा धा दिन धा धा तीन तीन ग्यारह वर्ण, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। उसी तरह जब ताल में सात वर्ण के हो, तेरह चौदह पंद्रह वाले समूह में नौ वर्ण के हैं, ती धा ती ता ती ता ता एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब यहाँ एक चीज है कि सात से शुरू करते हैं, सात में विदम है, आठ में एक दम है और नौ में एक दो दम है। यहाँ पे हमारा तिहाई का काम पूरा होता है क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत तिहाई के प्रकार हैं। अभी हमने कहा कि नौ
12 15 18 में निगम तिहाई नहीं आता है, लेकिन जब गणित कम काम करेंगे तो एक साल में जो अभी हमने 3 साल की तिहाई सुनाई है, ते काता गाजी गाना धाती धाते ते काता गाजी गाना धाती धाते ते काता गाजी गाना धाती धा, इस तिहाई को हम एक साल में 3 साल करके इसको कर सकते हैं। लिंग लिंग धागे तीर चित तू ना सत ता धागे तीर चित भी ना ते का ता दा दी गा ना दा ते दा ते के का ता दा दी गा ना दा ते के का दा दी गा ना दा ते दा। एक उसी तरह पंचम समाधि में हम जप काल की लय कायम करके आड़ की उनकी लयकारी करेंगे। जप काल में पंचम समाधि में जप काल करके जप काल के 7 की तिहाई को हम उसमें कर सकते हैं और आराम से करते हैं। भी ना भी भी कर भी भी ना भी ना ती सकिन ना ती जकित तुन ना कर भी ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जो रमेश जी से बात हुई थी तो चक्करदार के परसों मास चक्रवर्ती जी ने बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया। चक्करदार फरमाइशी चक्करदार को थोड़ा सा हम जो हमने सोचा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने जो बताया था 5 आवर्तन कर लीजिए और उसमें 1 धार जोड़ लीजिए, एकदम सही है, उसको आधार करिए, 3 हिस्सा करिए। यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि 3 हिस्सा करने के बाद उसको सम मात्रिक में आधा आधा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए जप काल है, जप काल को आप लीजिए और 10 5 50 एक भाग जोड़िए, 51 हुआ, 3 से भाग देंगे 17 आएगा, 17 को सम मात्रिक में आधा आधा कर लीजिए, 1 खंड 8 आएगा, 1 खंड 9 जाएगा, 9 तिहाई वाला खंड होगा और 8 मुखड़े वाला खंड होगा। और जब 9 वाली तिहाई का पहला 3 लेंगे तो 8 3 11 पहला भाग सम पे आएगा। तिहाई 2 की तिहाई होगी तो 6 मात्रा होगा, 3 मात्रे की तिहाई होगी तो 9 मात्रा होगा, 4 की तिहाई होगी तो 12 मात्रा होगा, 5 की तिहाई होगी तो 15 मात्रा होगा, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। 3 साल का विभाजन उन्होंने बताया तो 27 हुआ, 27 में 12 और 15, क्योंकि जो आधा करेंगे वो तिहाई वाला समूह होना चाहिए, या 12 या 15 या 9 या 6। आप धमाल में ले लीजिए, मैं धमाल की बात करता हूं, 14 15 70 1 71, 3 से भाग देंगे 2 हासिल बचेगा, 2 हासिल जब भी बचता है, शेष 2 जब भी बचता है, उसका तात्पर्य यह है कि उस चक्करदार में एक एक मात्रे का दम है, 1 कभी हासिल नहीं आएगा। आप इस पूरी गणना में अंदाज लगाइए, 1 कभी हासिल नहीं आएगा, या 2 आएगा या कट जाएगा किसी भी ताल में। तो 71 मात्रा जब हुआ
तीन से भाग देंगे 23 होगा, दो शेष बचेगा, 23 को आधा आधा बांटिए आप तो 11 और 12 बचेगा, 11 और 12 बचेगा, 12 मात्रा तिहाई वाला है, 11 मात्रा मुखर वाला है। आप देखिए धमाका उदाहरण दे रहे हैं, 11 मात्रे का हम केवल ठेका बोल देंगे और चार चार की तिहाई ती धाम एक दो तीन चार। ये मात्रा की गणना है। जब हम चक्करदार को एक एक मात्रे की जगह आधा के मात्रे में जोड़ते हैं तो तीन ताल में फरमाइशी जो बनती है वो 53.1 अर्धमात्रिक के बनती है और उसकी तिहाई जो होती है वो 11.5 मात्रे का मुखड़ा होता है और 5 मात्रे की तिहाई होती है। 9 वर्ण नहीं 10 वर्ण, मतलब 23 वर्ण का मुखड़ा होता है और 10 वर्ण की तिहाई होती है और एक दम होता है। जब इसी फरमाइशी को हम चतुर मात्रिक मतलब एक चौथाई में आ जाते हैं जहां चौथाई की गणना शुरू हो जाती है वहां पे ये 45 मानों का मुखड़ा होता है और 21 मानों का तिहाई बनता है। कुल मिला के 107 वर्ण होते हैं तीन साल में और 107 वर्णों को तीन बार करेंगे तो 321 हुआ। 5 आवर्तन का जो फरमाइशी है वो 16.5 मात्रा हुआ। 80 मात्रा को जब हम 4 गुना करेंगे एक मात्रे में 4 बोल आएगा तो 320 होता है। एक धा सही 321 मार हुआ। धागे धागे न धागे दिन ना ना तेते धागे न सदा धागे तक्ति तक तक धागे न धाते ते घे न धागे न तक तेते तक धे न धे न धा तक धे न तक्ति तक धागे धा। जिन धा से इसका तिहाई है धागे धागे न धागे दिन ना ना तेते धागे न सदा धाते तक्ति तक तक धागे न धाते ते घे न धागे न तक तेते तक धे न घे न धा तक धे न तक्ति तक्ति तक ये जो हम एक चौथाई मात्रे में आते हैं तो ये कैलकुलेशन हो जाता है। दत्ताल में सिंपल 17 मात्रे की तिहाई 17 मात्रे का एक पल्ला बनता है लेकिन जब दुगुने में आ जाते हैं तो वहां पे 17 होता है लेकिन यहाँ जहाँ 8 मात्रे का बोल है मुखड़ा है वहां 7.5 का मुखड़ा होता है। भी ना भी भी ना भी ना भी ना भी ना धा भी ना भी ना धा भी ना भी ना धा धी ना धी ना धा धी ना धी ना धा धी ना 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 धी
दीना दी दीना भा दीना दी दीना भा दीना दी दीना भा ना दी दी ना दी ना दीना दी दीना भा दीना दी दीना भा दीना दी दीना दी और जब इसको हम पाव गुण में आ जाते हैं, पाव गुण मतलब एक बटे चार, तो यही कैलकुलेशन 28 वर्णों का मुखड़ा बनेगा और 13 13 13 वर्णों के तिहाई बनेगी, 28 13 41 और 13 54 और 13 67 67 67 तिहाई 201 हुआ, 5 आवर्तन का झपका 50 मात्रा हुआ, जब पाव गुण में करेंगे तो 201 आएगा। नहीं है तो 28 मात्रा को भरने के लिए धीना तूना कत्ता धीना धी धीना धिन धिन तूना अट्ठाईस मात्रा को भरने के लिए हम आड़ा चौकाल बोलेंगे और 13 को बोलने के लिए एक ताल धा सहित भी ना तू ना कत्ता भी ना धी ना धी ना कत्ता भक्त भी ना दा धी भक्त तू ना कत्ता भक्त भी ना दा दिन कत्ता भक्त भी ना दिन दिन भागे तरीके ऐसे करके हम 67 मात्रा बनाएंगे और ये 201 मात्रा आएगा जो सम पे आता है। इसके बाद जो प्रमीण जी ने कहा था नौहत्ता, देखिए बच्चों बात कसौटी जी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि ये सारी चीजें चाहे कमाली हो चाहे फरमाइशी हो चाहे नौहत्ता हो चक्करदार तिहाई हो ये सभी ही गणितीय रचना है, गणितीय रचना है। चक्करदार तिहाई नहीं है, चक्करदार तिहाई पहले भी बचता था लेकिन कमाली नौहत्ता फरमाइशी ये सभी गणितीय रचना है। नौहत्ता के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी दो दिन पहले हमने कहा भी था कि नौहत्ता से लगा हुआ दो रचना और है, एक है चक्करदार तिहाई और एक है नौधा की रचना। नौधा की रचना तबले में नित्य से आया है और चक्करदार तिहाई और नौहत्ता, नौहत्ता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौहत्ता में एक बोल समूह को लेके 9 बार बजाते हैं, अगर उसमें दम है तो सब में समान दम है, नहीं दम है तो किसी में नहीं, यही समान दम के बीच अगर अंतराल हो जाता है, 3 के बाद अंतराल हो जाता है तो वो चक्करदार तिहाई का काम करता है, अगर वो अंतराल नहीं है तो वो नौहत्ता है। हमने इस गणना को बहुत दिन से कर रहे हैं तो हमने नोट किया कि 9 मात्रा 18 मात्रा व 17 मात्रे में नौहत्ता नहीं बन पाता है, बराबर लेने क्योंकि 9 इसमें 9 की गणित बहुत जरूरी है। पहली बात
नौ की गणित इसमें बहुत जरूरी है। अगर नौ की गणित नहीं है तो अब हम सबसे पहले लेते हैं जप ताल से। जप ताल को लेते हैं, जप ताल का सिंपल है नौ वर्ण के बोलो को नौ बार लेंगे कितना हुआ 81, नौ नवा 81 दस आके 80। भी ना भी भी ना भी ना भी ना एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ एक दो तीन चार पांच छह सात सात नौ ये नौहक्का की श्रेणी में क्लियर कट विदम नौहक्का यही है। जब काल में जो है ये नौता बिदम है, कहीं कोई दम नहीं है। भी ना भी ना भी ना भी ना ते का तादा दीगा ना धाते 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 ते का तादा धाते ते का तादा दीगा ना 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 धा जब हम चक्करदार की बात करते हैं या नौहत्ता या परमाइशी किसी की बात करते हैं तो समान रूप से चार आवर्तन की बात करते हैं। चार आवर्तन दस साल का चार आवर्तन 40 मात्रा हुआ, नौ से नहीं कटेगा 936 गड़बड़ हो गया। अब हम दो आवर्तन लेंगे 80 मात्रा हुआ, एक भार लगा दीजिए 81, नौ नवा 81, इसका मतलब ये है कि नौ वर्ण के बोल होंगे जो नौ बार बजाए जाएंगे तो वो जप ताल में आएगा। अब वो वर्ण वो बोल आप अपने मन मुताबिक अपने हाथ से निकलने वाले या जो सुंदर लगने वाले हैं वो बोल को आप लेके बजाइए। उसके आगे बढ़ते हैं, दस के बाद आता है 11 मात्रा। 11 मात्रा में बहुत बढ़िया होता है, आप हमारे कहे अनुसार चार आवर्तन 11 चौक 44 होता है, 44 मात्रा लीजिए, एक भाग को जोड़ लीजिए 45, 9 25 45 सीधा का नियम है, 5 वर्ण की तिहाई 11 मात्रा में आएगी। भा तत् भा तेज अचित भी ना तेज अचित तू ना तत् ता एक दो तीन चार पांच 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 ये भी बहुत बढ़िया और बहुत सरल नौहक्का है। इसके बाद अगले ताल में आते हैं, वो ताल है एक ताल। 3 से कटने वाले तिहाइयों की गणना अलग हो जाती है, ये हमने पहले ही आपको बताया था जब हमने बताया कि 9 12 15 18 में बराबर लय में विदम तिहाई नहीं होती है, इसमें बिना इसमें एक दो गैप के बगैर कोई भी तिहाई नहीं आएगी, चाहे चक्करदार हो चाहे नौहक्का हो चाहे कुछ भी हो। तो 12 चौक 48 एक 49 हुआ,
उसके बाद फिर आठ आवर्तन ले लीजिए, बारह के छियानवे एक सत्तानवे हुआ, बारह के छियानवे एक सत्तानवे हुआ, और एक दो के आठ गैप आएंगे, एक से नौ दस के बीच एक दो के आठ गैप आएंगे, तो आठ दुनी सोलह और नौ नवा इक्यासी, इक्यासी और सोलह सत्तानवे, बारह आठ छियानवे दो आवर्तन में आएगा, भिन्न भिन्न भागे तिर तित तू ना सत सा भागे तिर तित भी ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ, इसको अगर हम भिन्न भिन्न अभी गणना को बता दिए बोल में लेंगे तो भिन्न भिन्न भागे तिर तित तू ना सत ता भागे तिर तित भी तेते कत गदि जन धान, 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 तेते इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण में, बारह के बाद तेरह मात्र में, बहुत सरल तिहाई है, बहुत सरल तिहाई है, जो ग्यारह मात्रे वाली तिहाई है, नौ हक्का है, उसी को हम तेरह मात्रे में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तीन मात्रे का वर्ण सेठ का दगड़ी का नधा, 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 एक दो तीन चार पांच, 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 दो तीन चार पाँच, एक 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 दो तीन चार, सबसे आसानी से आता है, क्यों तेरह दुनी छब्बीस एक सत्ताईस नौ त्रिक सत्ताईस, सिंपल नियम है, तेरह दूनी छब्बीस एक सत्ताईस हुआ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तेरे का गली का नधार, 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 तेरे का गली का इसके बाद जिस नौका में हमको जोड़ने में घटाने में बहुत समय लगा, वो नौका था धमार में, धमार का नौका हमको सबसे अधिक समय लगाया, और धमार में जब हम चौदह मात्रे का चार गुना करेंगे तो छप्पन मात्रा होता है, वो कहीं से भी नौ से नहीं कटता है,
हम और आगे बढ़े। इसको हम उल्टा लेते हैं, हमने पांच ही गणित किया तो 45 दिया, 5 × 45 कहीं से नहीं आ रहा था। फिर दूसरा जगह बनाया, 7 का लिया कि 7 वर्ण के लिए 9 बार 7 × 63 हुआ, वो भी 14 से नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हमने 9 वर्ण लिया, 9 × 81 हुआ, वो भी नहीं कट रहा था। लेकिन फिर हमने उसमें दम का अंदाज लगाया तो बहुत अच्छा लगा कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो है वो जगह मिल गया, वो है 112 मात्रे की तिहाई, 9 का पूरा, और 9 वर्ण की तिहाई है, 4 वर्ण दम है, तो 9 × 81 और दम 8 ही आएगा, 9 × 81 और 4 × 8 = 32, 81 और 32 113 हुआ, और 14 × 8 = 112, 14 × 8 = 112 हुआ। अगर आप लोग कैलकुलेटर अगर लेके बैठे तो जोड़ लीजिए, 14 × 8 = 112 हुआ, और वो रिंग तेल चित भी ना तू ना सच सा तेल चित भी ना भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
ये नौका में बहुत समय लगा था। अब इसको मैं बोलो में बोल दे रहा हूँ, जिन तिर तित धि ना तू ना तत ता तिर तित धि ना धि धि ना तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना धा एक तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना धा एक दो तीन चार तेते काता दादी गाना इसके बाद आता है पंद्रह मात्रा। पंद्रह मात्रे की मिसाल पंचम समाधि में भी पांचवा पैतालीस पांचवा की तिहाई आएगी और आठ वैद एक दो के आएंगे और पैतालीस और सोलह एक तक हुआ। एक दो तीन भी ना भी भी कर ठीक करके ना तेज कितना तुम ना कत्ता भी ना भी एक दो तीन चार पांच दो 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 एक दो तीन चार पांच और एक दो के हम आठ बैग दिए तो सोलह पैतालीस और सोलह इकसठ इकसठवा मात्रा कम है पंद्रह चौक के साथ एक आवर्तन में आएगा। सत्ता भी ना भी एक दो भी ना चंद्र गलग निधान चंद्र गलग निधान चंद्र गलग निधान गलग निधान चंद्र गलग निधान चंद्र गलग निधान चंद्र गलग निधान चंद्र गलग निधान
इसके बाद आता है सोलह मात्रा। दस मात्रे से लेके पंद्रह मात्रे तक के नवहत्ता में हर सालों में नवहत्ता बराबर लेने ही आया। हर सालों में बराबर लेने नवहत्ता आया, बराबर लेने से अलग कुछ नहीं हुआ। तीन साल एक ऐसा साल था जहां बराबर लेने नवहत्ता नहीं आया। इसकी गणना भी अलग करनी पड़ी और फिर हमने इस तीन साल के लिए 11-12 मात्रे के फार्मूले को लाए। 12 में जो 9 वर्ण की तिहाई और एक दो गैप दिया गया था वही तिहाई तीन साल में आया और उसको आड़ करके आड़ करके लाना पड़ा, क्योंकि नौ नौ 81 और 16 गैप 8 एक दो गैप के 97 16 छका 98 6 आवर्तन में आएगा, आड़ में ही आएगा। बा दिन दिन बा दिन दिन बा ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दो तीन चार पाँच छः सात नौ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नौ एक दो तीन चार नौ। अब इसको हम बोल में ले रहे हैं ना तिन तिन ता ता बिन बिन ना ते का ता गा जी गा ना दा एक दो ते का ता गा जी गा ना दा एक दो ते का ता गा जी गा ना दा एक दो ते का ता दा एक दो ते का ता गा जी गा ना दा एक दो ते का ता गा जी गा ना दा एक दो ते का ता गा जी गा दा एक दो ते का ता गा जी गा ना दा एक दो ते का ता गा जी गा ना। ये नवहत्ता यहाँ पे पूरा हुआ जो कि हमने पहले ही कहा था कि 17-18 और 9 में नवहत्ता नहीं आता। अब आप लोग को अगर जो ये हमारा गणित का काम यहाँ पे खत्म हुआ है, रमेश जी। हाँ जी, हाँ, अब जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या हुआ, जो शुरू में जो क्वेश्चन आए थे तो मुझे लग रहा है उनका जवाब आप दे चुके हैं। एक कोई विघ्नेश का है, कर्म है पूना से, क्या एक ताल में विदम बजाया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल जब उनका आया तो उसके बाद आप जवाब दे चुके थे। तो देखिए, लिखने में एक ताल में विदम नहीं होगा। हाँ, लेकिन बजाने में हमने परम करके सुना दिया, लय परिवर्तन करके हो सकता है, लय परिवर्तन करके तीन ताल में विदम आराम से हो सकता है, वो हमने सुना दिया आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि यदि किसी को कोई, अब ये किसी ने पूछा है कमाली के लिए गणितीय बताइए, तो उस दिन कमाली वैसे हो गया, लेकिन फिर भी मनोज जी शार्ट में यदि कुछ आप, अब आपके पास कोई नया, कोई कमाली के लिए पूछ रहा है, नहीं आ रही है। कमाली के लिए पूछ रहा है कोई, कमाली के लिए
तो कमले लेक्चर के लिए छोड़ूंगे। हाँ बस एक छोटा से भी बता दीजिए। वैसे उस दिन पार्थ जी बहुत स्पष्ट रूप से बता दिए हैं और वही वो फार्मूला हम सब लोग फॉलो करते हैं और मुझे लग रहा है कि वो यदि सुनेंगे तो हाँ जी वही सिस्टम है उसका। हाँ जी हाँ। और किसी को पूछना है कुछ तो दीपक त्रिपाठी जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी जी सर मनोज जी अगर जब काल में कोई भी ऐसी है बहुत आसान तरीका है उसमें धाम में धागा लगाते जाइए बनता जाएगा। जैसे बनारस का ही टुकड़ा डालते थे डालते थे डालते थे डालते थे भेद तगिन न भेद तगिन न भेद तात्र भेद तगिन न था भेद तगिन न था भेद तगिन न था। तीन काल में है जब काल में फरमाइशी आती है भी ना भी भी ना ना भी भी ना ये दीपक त्रिपाठी जी का गुरु जी सादर प्रणाम। गुरु जी एक जानकारी लेनी थी क्या नौहक्का में फरमाइशी नौहक्का भी बन सकता है क्या तालों हर तालों में जिन जिन तालों में आपने बताया। भाई अब इससे हमने कभी काम नहीं किया है लेकिन बन सकता है। अभी आज एक फरमाइशी नौहक्का अरविंद आजाद जी ने सुनाया है बन सकता है क्या क्यों नहीं जी क्योंकि अगर एक साल में किसी भी एक साल में फरमाइशी नौहक्का आ रहा है तो मेरा जी सोचना है कि वो हर साल में आएगा। हो सकता है एक दो साल एक्सेप्शनल जी 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 और ये गणित ये है ना गणित रिसर्च करने की विषय है। देखिए इतने साल हो गए मैंने पंडित लालजी श्रीवास्तव साहब को और हमने उस्ताद अलरका खान साहब को पंडित किशन महाराज जी को पूरी जिंदगी भर उनके नए नए गणितीय सूत्र खोजे उन्होंने अपने वादन में उसको शामिल किया तो मुझे लग रहा है कि ये गणित की दुनिया जो है चमत्कारिक दुनिया है। इसमें हम जितना खोज करते जाएंगे कुछ कुछ नया मिलता ही जाएगा तो मुझे लग रहा है कि सब लोग मिलके यदि इसको कुछ कुछ सोचेंगे तो निश्चित रूप से क्योंकि कथक के क्षेत्र में तो काफी सोचा जाता है क्योंकि उनका मेन काम ही उस प्रकार का है। एक अनिश कुमार यादव कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी अनिश कुमार यादव यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे हाथ को वो करने का तो जरूर पूछें मैं उनका साउंड यहां से हम ओपन कर देंगे। मनोज जी ने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बताई। हेलो वर्णों के साथ। हाँ जी बोलिए गुरु जी प्रणाम मैं अनिश कुमार यादव। गुरु जी मैं एक जानना चाहता हूँ कि जो किसी भी ताल में जो तीन लयकारी आती है आड़ कुआड़ या बियाड़ की वो उसका गणितीय स्वरूप क्या है। आड़ कुआड़ बियाड़ की नहीं आती बता तीन लयकारी आ सकती है जी तो उसका गणितीय स्वरूप क्या है। जी गुरु जी जी तो उसको निकालेंगे बारह मात्रा ले लो जी बारह मात्रा को अगर दुगुण में करोगे कितना मात्रा हुआ 24 ठीक है मात्रा हुआ ना
जी बोलो, एक बात दो गुण बोलोगे तो हाँ छह मात्रा जी, एक बात दो गुण बोलोगे, तीन बोलोगे जी, कितना हुआ चार मात्रा, चार मात्रा, और एक बात सगुण बोलोगे दो मात्रा, बारह चार दो जी, तीन चार एक तीन तीन दो ना सात सात बागे तीन तीन दी ना दिन दिन बागे तीन 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 दी तीन तीन ना सात सात बागे तीन दी ना दिन दिन बागे तीन ना सात सात बागे तीन ना दी समझ में आया जी गुरुजी ठीक है। मनोज जी एक क्वेश्चन आया है अभी एसएमएस के माध्यम से कि तिपल्ली में भी क्या वर्णों का कोई गणित है क्या? नहीं, तिपल्ली के लिए कोई वर्णों का गणित है क्या, ऐसा पूछ रहे कोई? ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है तिपल्ली में, तिपल्ली में कोई निश्चित नियम नहीं, तिपल्ली को हर कलाकार अपनी सुविधा से बजाता है। अगर जो पिपल्ली का नियम बन जाता कि उसका पहला भाग सब पे आना है तब तो फिर एक गणित, हाँ हाँ हाँ, तब उसका गणित लागू होता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पोएट्री से संबंध है उसका। हाँ पिपल्ली में जो है उसकी न तो निश्चित आवर्तन है न निश्चित भाव है, तो कैसे हम उसको उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? जैसे फरमाइशी कमाली में एक निश्चित है ना कि उसका पहला भाग सब पे आना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किन्हीं को कोई प्रवीण जी, हाँ जी आपको एक एक रचना, एक रचना सुना मैं छोटी सी है। हाँ जी हमारी बिल्कुल बिल्कुल प्रयास है, स्वागत है स्वागत है। इसका इसका नाम एक पल्ली फरमाइशी है। हाँ फिर से थोड़ा सा, एक पल्ली फरमाइशी, एक पल्ली फरमाइशी, हाँ एक पल्ले में ही फरमाइशी की सारी विशेषता। हाँ हाँ वो मतलब पहला धा सम पे आएगा फिर तिहाई का उसी का दूसरा धा और तीसरा धा, पहले सम पे पहला धा, दूसरे सम पे दूसरा धा, तीसरे सम पे तीसरा धा। अच्छा तो रचना से स्पष्ट हो जाएगा, आप जरा सुनाइए बहुत मजा आएगा। एक ताल में है दिन, धागे तेरे के भी ना धन बदलता कदम जदन लगते कदम तान धा तू ना क्या ते ते धन बदलता मतलब टुकड़े में आपने फरमाइशी का वो चक्करदार नहीं, टुकड़े में फरमाइशी को दिखाने का वो किया है आपने। टुकड़े में पूरा फरमाइशी है, पहला पांचवा नौवां। जी 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 बहुत बहुत इस तरह की रचनाएं मैंने इसमें एक चीज और है। जी जी इसमें पहले सब पे पहला धा, दूसरे सब पे दूसरा धा, तीसरे सब पे तीसरा धा। फरमाइशी में दो दो सब में कोई धा नहीं रहता है ना, इसमें तीनों तीनों पे पहला दूसरा तीसरे पे लगातार धा है। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बहुत लोगों को स्पष्ट हो गया। आपने तो पूरा आज कॉपी पेन लेके ही सबको बिठा दिया, बहुत से लोग मैंने देखा कि सब लोग विद्यार्थी लोग ज्यादातर कॉपी पेन लेके बैठे हुए थे, क्योंकि आप गणित आप भी उधर से गणित करे जा रहे थे और सब लोगों को हाथ में पेन से होने से वो क्लियर होता जा रहा था, तो बहुत बढ़िया। हम केवल एक पन्ना लिए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गणितीय स्वरूप जिसमें प्रश्न कम होगा। हाँ जी ये गणितीय स्वरूप है तो इसमें प्रश्न कम होगा। हाँ क्योंकि अब आपने जो जो गणित बताए आज सब लोग उसे गुणा भाग करेंगे और क्या, क्योंकि सब कर देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपने आज बहुत सारे सूत्र एक साथ बताए तो सब लोगों ने लिखा है और वो जो विभाजन आपने बताया 7, 10, 13, 16 उसके बाद 8, 11 तो एक एक जो बताया है उसके ऊपर सब लोग अपनी अपनी रचनाएं करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी मैं
मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसके तिहाई के फार्मूले को अगर आदमी ध्यान से पढ़ ले तो इसके बाहर कोई तिहाई नहीं है, इसके बाहर कोई तिहाई नहीं है। फिर से एक बार बोल दीजिए सबको, फिर से एक बार बोल दीजिए स्पष्ट, सब लोगों को सुना जाए। देखिए सबसे छोटा काल कौन सा है? रूपक। हाँ, स्वतंत्र वादन के लिए ठीक है। सबसे बड़ा लक्ष्मी काल जिसका निकाल रोड मिलता है, और कोई काल नहीं मिलता है, ब्रह्म काल के निकाल नहीं मिलता है। आप 7, 8, 9 से तिहाई लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यही 12 काल है ना? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सात सात वाली लाइन का जो काल है उसमें मेजम तिहाई आएगा जी। सात वाले लाइन मतलब 7, 10, 13, 16 में मेजम तिहाई बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल 8, 11, 14, 17 में तिहाई और 54 में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल 9, 12, 15, 18 में जो तिहाई आएगा वो एक दो दम का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो भी साले 3 से सकती है उसमें बिना धान के तिहाई नहीं आएगा। वाह बहुत बढ़िया। आप लगाते हैं ना, तो हम लोग एक दो बोलते हैं आप धान लगा देते हैं। धान लगाते हैं जी जी, धान लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी, सुरेश जी का योगदान है। हाँ जी जी जी, तो ये 9, 12, 15, 18 में बिना धान के तिहाई नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी, ये फार्मूला अगर आप बच्चों ने समझ लिया तो कभी भी लिखने या बजाने में तिहाई कभी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें एकदम बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई है, और खास तौर पे जो पार्थ जी ने चक्करदार फरमाइशी कमाली और के लिए बहुत स्पष्ट सूत्र बताए थे और उसी को क्रम को आगे बढ़ाया हमारे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने, आज नौका को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया और वर्णों को लेके भी उन्होंने काफी अच्छी बातें की है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी सत्र रहा, क्योंकि तबले में गणित का बहुत बहुत बड़ा स्थान है और हमारे यहाँ पुस्तकें भी काफी लिखी गई हैं और यहाँ तक कि आचार्य बृहस्पति ने तो वो एक पूरा सूत्र लिखा हुआ है। मुझे लगता है आगे उसके हमारे आगे आने वाले विद्वान उसके संबंध में जरूर ब्रजरानी जी सुन रही हैं, हम लोग जरूर उनसे वो करेंगे कि वो सूत्र भी एक है जो हमारे प्राचीन आचार्य बृहस्पति जी का वो सूत्र है, तो उस तरह की भी सारी बातें हों तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो भी, और अभी वर्तमान में जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने अभी गणितीय पक्ष पे और बहुत तगड़े तगड़े सूत्र निकाले हैं। जैसे अब मेरे गुरुजी की मैं बात करूं तो उन्होंने दम के ऊपर एक श्रृंखला वर्गीकरण करा है कि दम से कैसे उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, आवर्तन से मैं हम लोग देखते हैं कि आवर्तन से, जैसे पार्थ जी उस दिन बता रहे थे कि आवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम कैसे करेंगे, तो आवर्तन से वर्गीकरण हो सकता है और उसको संख्याओं के हिसाब से भी वर्गीकरण हो सकता है। एक बहुत अच्छा काम गणित ही उस पर हमारे उनका हुआ था, अभी वो आज नहीं रहे, मुझे बड़ी याद आ रही उनकी, हमारे सक्सेना उनका नाम मुझे याद, हमारे बलिया में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, अपने बरेली के थे और बलिया में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे सक्सेना जी, अभी अभी डेथ हुई है उनकी, दो साल पहले हुआ था। तो उन्होंने भी गणितीय पक्ष पे बहुत अच्छा काम किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छी ये खुशी हो रही है कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं और विद्यार्थी को काफी रिसर्च इसमें हो रहे हैं, लेकिन अब नए आयाम हम क्या जोड़ सकते हैं उस दिशा में काम होना चाहिए। तो मनोज जी आज बहुत सारी बातें आपसे और करने का इच्छा है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के
सहायक प्राध्यापक मनीष करवड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आपका आभार व्यक्त करें। मनीष जी हमारे बहुत कर्मठ प्राध्यापकों में से एक है, वो अभी लगातार एक सीरीज चला रहे हैं राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में, और उन्होंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पंडित सुरेश तलवलकर जी और अरविंद आजाद जी, रामदास पलसुले जी, पंडित गिरेन देश पांडे जी, बड़े बड़े लोगों को बुला के और काफी अच्छी अच्छी बातें, संस्थागत शिक्षण प्रणाली के लिए उपयोगी बातें उन गुणी लोगों से निकलवाई और उसमें हमारे गौरांग जी वगैरह सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत उसमें सहयोग मिल रहा है। तो मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूँ जी। प्राध्यापक राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय। नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार, मैं मनीष करवड़े राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में जी। प्रवीण सर ने जितना बताया ऐसा मेरा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है योगदान इसमें, सभी के सहयोग से जिस काल संवाद श्रृंखला की आपने चर्चा की ये भी सभी के सहयोग से वो संपन्न हो रही है। आज ही उसका एक प्रसारण आज हुआ था जिसमें पंडित अरविंद कुमार आजाद जी हमारे साथ उपस्थित थे और प्रवीण उद्धव जी, गौरव भाव साहब जी, मनोज जी और राहुल जी, ये सब हमारे साथ उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बात करना चाहेंगे क्योंकि मेरा बड़ा सौभाग्य है प्रवीण सर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज के कार्यक्रम को धन्यवाद के लिए मुझे उन्होंने चुना। काल पक्ष में गणित का प्रयोग अविस्तारशील बंदिशों के संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर मनोज सर ने इस विषय को तार तार करके एक एक चीज को उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से समझाया। गणितीय सूत्रों का आपने प्रतिपादन जो किया है वो हमारे लिए भी और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी, संगीत जगत के लिए, तबला जगत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि एक बार में शायद वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मनोज सर को हम प्रत्येक विश्वविद्यालय में जाकर, प्रत्येक संस्था में जाकर इस तरह के वर्कशॉप के लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो जाकर इन सब सूत्रों को हमारे विद्यार्थियों के साथ साझा करें, उन्हें समझाएं, तो इन सभी बातों का बहुत उपयोग हो सकेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण प्रोफेसर संगीता सिंह जी, प्रोफेसर राजेश शाह जी, प्रवीण उद्धव सर, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के पार्थ चक्रवर्ती सर, गौराम भोसार सर, डॉक्टर विधि नागर जी, नित्यानंद हल्दीपुरकर जी, आपको प्रणाम करता हूँ। विजय शंकर मिश्रा जी, केशव तलेगा जी, महेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, वेणु वनिता जी, ब्रज रानी शर्मा जी, इतने अनेक विद्वजनों के नाम मैंने यहाँ इस मेरी स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं उनके मैंने नोट किए। उनके अतिरिक्त भी जितने लोग मैं मुझे इसमें नहीं दिख पा रहे होंगे उन सभी का मैं प्रवीण उद्धव सर की तरफ से, उनके विभाग की तरफ से, उनके विश्वविद्यालय की ओर से इस अनूठे आयोजन में आप सभी के सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जिन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए प्रस्तुत किया। साथ ही इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे विद्यार्थीगण और फेसबुक के लाइव के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। आगे की श्रृंखलाएं भी बहुत अच्छी है, प्रवीण सर ने इतना अच्छा ये आयोजन किया है। अकादमिक दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी आयोजन और ये बहुत डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा आयोजन ये सिद्ध हो रहा है। आगे आने वाले आयोजन भी काफ़ी अच्छे हैं, हम सभी मिलकर उन सबका लाभ उठाएंगे, सभी उसका फायदा उठाएंगे। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा प्रवीण सर ने अभी बताया कि हमारी ताल संवाद श्रृंखला चल रही है, तो जितने विद्वजन यहाँ उपस्थित हैं मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया वे उस आगामी आयोजन में हमारे जितने भी काल संवाद होंगे उन सभी में उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैं पर्सनली सभी से कोशिश करूँगा कि सबसे मैं निवेदन करूँ और आगामी आयोजन का सभी को आमंत्रण दूंगा। और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से भी आगामी वेबिनार और इस तरह के आयोजन जो भी होंगे उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है और आप सभी के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के अकादमिक आयोजन लॉकडाउन की अवधि में इतने अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं, एक नए प्रकार से संपन्न हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी के लिए सीखने की बात है। आज का आयोजन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सभी के लिए बहुत उपयोगी, हम सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहा। सभी आयोजन और भी उपयोगी रहेंगे। प्रवीण सर का धन्यवाद, सभी विद्वजनों का धन्यवाद, सभी प्राध्यापकों का धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी। कल के कार्यक्रम के संदर्भ में थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।
प्रोफेसर किरण देश पांडे जी की थोड़ी तबीयत उनकी थोड़ी सी अस्वस्थता हुई है, थोड़ा सा उनका कुछ छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऐसी कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आराम करना थोड़ा जरूरी है, तो वो हम लोगों के लिए आगे कुछ दिनों बाद हम लोगों के इस व्याख्यान में आएंगे। और परसों हमारे केशव तलेगांवकर जी का व्याख्यान परसों था, वो कल होने वाला है, और कल और एक खास बात होने वाली है कि हम पंडित आचार्य पंडित गिरिशचंद्र श्रीवास्तव जी को सम्मानित करेंगे, उनके आशीर्वचन हम लेंगे। तो शुरुआत हम आचार्य गिरिशचंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तबले के क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत उनका अनूठा योगदान है, और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 70 के दशक से वो जुड़े हैं। उनको सन 1971 में प्रेमलता शर्मा जी ने एक सेमिनार में बुलाया था, जिस समय राजा छत्रपति सिंह जी, स्वामी पागलदास जी और ज्ञान प्रकाश घोष जी आए हुए थे, उसी में वो एक यंग, उस समय काफी यंग रहे, और आज तो उनकी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन्होंने हमारे लिए जो समय निकाला है हम लोगों को आशीर्वचन देने के लिए, तो हम बहुत उत्साहित हैं उनको उनका अभिनंदन करने के लिए और उनके आशीर्वचन सुनने के लिए। और हम कल पंडित केशव का तलेगांवकर जी से ख्याल संगति और वाद्य संगीत, जो तंत्र वाद्य के साथ संगति का क्या गूढ़ रहस्य है, इसके क्या तत्व हैं, क्योंकि हमारे केशव जी बहुत अच्छे वोकलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे गिटार प्लेयर भी हैं, और एक तबला वादक तो हैं ही, तो हम क्यों ना उसका पूरा फायदा लें कि गायन के घरानों में कौन कौन से ठेके ऐसे हैं जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, कौन सी लय ठेकों में प्रयोग होती है, और कई बार कुछ बंदिशें ऐसे ऐसे जगह से उठती है, उनके मुखड़े ऐसी ऐसी स्थान से होते हैं, तो उन सब की जानकारी हमको होना चाहिए विद्यार्थियों को खास तौर पे। तो हम काफ़ी खास खास जानकारी ख्याल संगति और तंत्रवाद्य संगति के विषय में हम पंडित केशव तलेगांवकर जी का बहुत बड़ा एक उनका पीरियड रहा है इस विद्वत्ता को हासिल करने के लिए, उनकी एक पारिवारिक परंपरा रही है। मुझे लगा कि उनके घर में कोई ऐसा बड़ा गायक नहीं है जो आगरा आया नहीं हो, निवृत्ता बुरा जो निवृत्ति बुआ सरनाई, पंडित राम मराठे जी, कुमार गंधर्व जी, बड़े बड़े गुणी लोगों का उनके घर में आना जाना रहा बचपन से। केशव जी तो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने बड़े बड़े गवियों को देखा है, क्योंकि एकमात्र ऐसी संस्था है आगरा में जो पिछले कई दशकों से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम करा रही है, और वो अनवरत चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। तो मैं सभी गुणियों से और हमारे सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, हम सब लोग और हमारा कल भी पुनः 10:30 सितार का और 1:30 हमारे संगीत शास्त्र पे और 4 तबले पर व्याख्यानमाला शुरू होगा। तो आप सभी का स्वागत है, आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।